subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. She didn't know anything ki bahar is tarah se SNC game chal rahi hoti hai. जो फेमस होता है ना उसके पीछे लोग फिटनेस लेने की कोशिश करते हैं। पहले वो गाना गाया गया था, फिर उसके बाद में इसके ऊपर वो बाल थोड़े खींच गए थे, फिर बाद में एक धक्का मार दिया गया था। मैं अगले साल गया गलती से भी तो तबाही मचने वाली। जनता के हिसाब से सबको लग रहा था कि इस बार शायद जसलीन मथारू बाहर निकलेगी। Srishty Rode and Manish Naggdev were recently roped in by India Forums after Srishty's eviction from the Bigg Boss 12 house. So come, let's have a chat with them and find out about both their journeys throughout Bigg Boss 12 inside and outside the house. Manish, were you expecting this eviction? No, not at all. बिल्कुल भी नहीं. बहुत strong है अभी भी Srishty. और ये ऐसा था कि बस कहते हैं ना किस्मत साथ नहीं देती तो आप कुछ भी हो जाता है, तो ये वैसा वाला सिचुएशन हो गया था और कुछ नहीं। How did you like Srishty's game? इसका गेम मुझे बहुत अच्छा लगा था बिकॉज इसने बहुत स्लोली और स्टेडीली सबको अच्छे से परखा था, देख रही थी कौन कैसा खेल रहा है, कौन क्या कर रहा है। इसलिए जब भी फोर्थ वीक आया सब लोग मुझे बोलते थे कहाँ है Srishty, यू नो क्यों इतना स्लो खेल रही है। बट आई आंसर देम कि आई नो व्हाट शी इज़ अप टू। इसने एग्जैक्टली वैसा ही इसकी गेम चल रही थी, इन फर्स्ट मैच सीरियसली ऐसी गेम चल रही थी और मुझे पता था। मैं वहाँ पे बोलकर भी था कि अब तक ऑन स्टेज सलमान सर को बोला था कि अब तक Srishty से 40% देखी है आपको, बाकी 60% तो बाकी है। तो जैसे ही वो हुआ और जैसे ही उनका ये पूरा वो जैसे वो स्ट्रांग होने लगी, जिस तरह से कर रहा था बहुत, इनफैक्ट जब भी इसका गेम शुरू हुआ पिकअप होने लगा और सब लोग इसके बारे में हर जगह पे सिर्फ बातें कर रहे थे और पता नहीं कैसे अनफॉर्चुनेटली ये मतलब एडिक्ट हो गई। बट इट्स ओके, उसके बाद लाइफ और भी ज़्यादा खूबसूरत है आप देख सकते हैं और ज़्यादा मतलब पीपल आर लविंग हर, मिलियंस ऑफ हार्ट्स लाइक पीपल have gone crazy behind her. So I'm very happy. Salman Khan made a statement saying अंदर एक गेम चल रहा है बाहर भी एक चल रहा है. How true is that? नहीं एक्चुअली पता है आई एम सो लकी कि Srishty बिग बॉस के अंदर गई और मैं बाहर था, क्योंकि अगर मैं अगले साल गया गलती से भी तो तबाही मचने वाली, बिकॉज मुझे बाहर की भी गेम पता है और मुझे अंदर की भी गेम का थोड़ा बहुत नॉलेज है। तो क्या ना पता होता ना कि आपको किस तरह लोग क्या कर रहे होते हैं, किस तरह किस पे क्या, बिकॉज शी डिडंट नो एनीथिंग कि बाहर इस तरह से ऐसी ऐसी गेम चल रही होती है। Manish, you've been complimenting her while she was inside. What would you like to tell her now? सुंदर, मैं तो उसकी तारीफ रोज करता हूँ। मैंने इतने 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 कॉम्प्लीमेंट्स किए हैं इसके ऊपर कि मतलब मैं सोचता रहता आज क्या लिखूँ आज क्या लिखूँ। और एक तो मैंने फिर मतलब इतना पक गया था, मैंने बोला आज तो ऐसा लिखता हूँ कि खत्म ही हो जाता। मैंने लिखा था खूबसूरती की हद हो तुम। I know he's written a lot of good things about me. A moment where you felt like taking her out of the game, seeing her breakdown? आया था पर अभी मतलब ऐसे बहुत टाइम बहुत बार ऐसा हुआ था बिकॉज जब भी वो स्टार्टिंग तो तीन बार जो होता है, पहले वो गाना गाया गया था, फिर उसके बाद में इसके ऊपर वो बाल थोड़े खींच गए थे, फिर बाद में उसको धक्का मार दिया गया था। फिर एक टाइम आया जब भी शी वॉज वेरी डिमोटिवेटेड, मतलब आई कुड सी हर कि यू नो शी वॉज वेरी स्कैर्ड कि यार मैं कुछ गलत ना कर बैठूँ, किसी को रॉन्ग ना बोल दूँ, यू नो मतलब क्या मैं क्या कर रही हूँ। शी वॉज लिटिल, सो आई वॉज लाइक यार क्या तो मुझे अंदर भेज दो, मैं उसको बोलूँ कि यू आर डूइंग सुपर्ब, बिकॉज शी हैड नो आइडिया है ना, शी हैड नो आइडिया व्हाट इज शी डूइंग। So I wanted to just go inside and you know just motivate her because whoever was going inside and was trying to tell her कि you know ऐसा ऐसा हो रहा है वैसा वैसा हो रहा है, तो she was not getting a clear idea. In fact बहुत लोगों को opportunity मिली, सबको बताया गया था कि आपको from name it anybody, हर एक को कोई video message भेजा गया था, हर एक को कुछ ना कुछ दिया गया था, but Srishty के लिए unfortunately कुछ गया नहीं था। तो I wanted Srishty to you know to get something from family कि कोई उसको अच्छा कुछ मिल जाए। Rohit and Srishty's equation was so clear but the housemates made some comments about it which didn't go down well for Srishty. देखो जो फेमस होता है ना उसके पीछे लोग फिटनेस लेने की कोशिश करते हैं, तो इसी तरह से वो लोग बैठ के मुद्दे बना रहे थे, गॉसिप बना रहे थे और बैठ के गप्पे लड़ा रहे थे। तो जैसे कि रोहित को कितनी बार ऐसा था रोहित भी नहीं इन्वॉल्व था और पीछे उन लोग बातें करते थे क्योंकि क्योंकि उनको भी चाहिए था कि अगर एंगल बना ही रहे तो आपको भी थोड़ा मसाला डाल देते, तो वो लोग भी वही कर रहे थे। एंड आई कुड सी आई एम एन एक्टर एंड आई नो हर वेरी वेल, आई नो हर लॉयल्टी वेरी वेल, सो आई कुड सी कि यू नो व्हाट Srishty इज अप टू। सो I was very happy कि हाँ she is playing, she is you know being so nice and she handled it so nicely. I was very very proud about it. How would you describe Srishty's journey? इनकी journey बहुत ही खूबसूरत रही है, इसलिए आज लोग इनको देख के सिर्फ मुस्कुराते हैं। मतलब इन्होंने happiness और love spread किया है और इन्होंने गुस्सा भी किया था, लेकिन जब गुस्सा किया था वो गुस्सा तो हर इंसान में होता है, तो वो सही वक्त पे किया था, सटीक गुस्सा किया था और हमेशा पॉजिटिव रही है। सुबह को उठ के मतलब लोगों में एनर्जी डालती थी, लोगों को हमेशा मतलब मस्ती कराती रहती थी और इसने वहाँ पे किसी के साथ ग्रजेस नहीं रखे थे। मतलब ऐसा था कि लड़ती थी और फिर एक दिन मैक्सिमम
तक शायद बात नहीं करती थी, उसके बाद में फिर अचानक से मतलब उनसे बात करना शुरू करती थी. सो इट वॉज लाइक फैबुलस, शी प्लेड रियली वेरी गुड. सो आई एंड दैट्स वाई पीपल लव हर. जो उसके फैंस अभी भी इतने सारे फैंस है ना अब तक इसी को फॉलो करने की, नहीं अभी भी हमारी सृष्टि ही हमारे लिए. सो विच इज वेरी बिग थिंग. हु डू यू थिंक शुड हैव गॉटन इविक्टेड इफ नॉट सृष्टि? मैं नहीं कर रहा था, जनता के हिसाब से सबको लग रहा था कि इस बार शायद जसलीन मथारू बाहर निकलेंगी. ये जनता का के हिसाब से और जिस हिसाब से जो वोटिंग ट्रेंड चल रहा था, जिस हिसाब से लोग बातें कर रहे थे, तो सबको शौक लगा कि जब सृष्टि बाहर आई थी तो होगा कुछ, यू नो यू नेवर नो कि हम लोग शायद रॉन्ग हो जाएं, कुछ अलग दिखाओ. मनीष, यू आर फाइनली कमिंग बैक ऑन टीवी, टेल अस अबाउट दैट. नहीं एक्चुअली क्या ये ऐसे चलते चलते टाइम निकलता गया, मुझे पता नहीं चला कि इतने टाइम हो गया कि मैं नो आई एम नॉट डूइंग टीवी. मैं बीच में थोड़ा वेब सीरीज के लिए ट्राई कर रहा था, थोड़ा बहुत फिल्म्स के लिए ट्राई कर रहा था, यहाँ मीटिंग्स होती रहती थी. बट लकीली अभी ऐसे कलर्स पे ही आ गया और उड़ान का ऑफर आ गया, तो मैंने सुना, आई लाइक्ड द कैरेक्टर, तो एंटर कर लिया. सृष्टि, मनीष हैज इमेंसली सपोर्टेड यू थ्रू आउट, व्हाट वुड यू लाइक टू से? हाँ, मैं तो बोल रही हूँ ही इज डन अ ग्रेट जॉब. उन्होंने बहुत मेहनत करी है बाहर, जितनी मैंने अंदर करी उतनी बाहर करी है. नहीं नहीं, आई वाज जस्ट डूइंग टाइम फॉर, आई नो यार, अरे सृष्टि आई थिंक फॉर मी थ्रू आउट एंड yeah, like he said, I've made him proud and that's what matters. There were engagement talks inside the house, so is the wedding on the cards? Shaadi ko bhi bahut time hai. Abhi na ring ka kya hua tha? They were telling me na to get engaged on the show. Acha, ha ha, right. Yeah. But wo kisi aur ne chal misunderstood. But it was not like that. And of course, Rohit ko bhi pata tha because we were friends and usko pata tha ki main uske baare mein aisa nahi bol rahi hu, ya KV uske baare mein aisa nahi bol rahe. पर यस, तो शादी को भी टाइम है. सबको कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आप हमको प्यार देते आ रहे हो, बहुत स्ट्रांग बनाया है आपने सृष्टि को बिग बॉस में भी, और बिग बॉस के आने के बाद में भी आई कुड सी लाइक देयर आर मिलिंग ऑफ हार्ट्स फॉलिंग. सो इसी तरह आप हमारे साथ रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए. एंड स्पेशली सृष्टि रोड को बहुत सारा प्यार दो, उसको बहुत अटेंशन पसंद है. जितना उसको अटेंशन दोगे वो उतनी ग्लैमरस लगती जाएगी, उतनी खुश रहती जाएगी. बिकॉज दिस इज अ मेडिसिन. हां, इट्स गुड. सो इट्स गुड ना. सृष्टि, इफ गिवन अ चांस, वुड यू वांट टू गो बैक? हां. अब तो ये खतरनाक हो जाएगी अगर जाएगी तो, उसको अगर भेज दिया जाए तो अब तो ये सबके ऊपर भारी पड़ जाएगी. मनीष, इफ यू गेट अ चांस, वुड यू गो नेक्स्ट सीजन? वो पता नहीं, वो तो उनके ऊपर है, वो देखते हैं, लेट्स सी. बट इफ गिवन, अगर इन्हें मौका मिलेगा तो आप इन्हें फोर्स करोगे जाने? डेफिनेटली, इट्स अ वेरी अमेजिंग शो, डेफिनेटली जाना चाहिए. हाँ, इट्स एन एक्सपीरियंस आई कुड सी. आई मीन जिस तरह से आके बाहर इतना बताती है हमें इसके एक्सपीरियंस के बारे में, इट इज लाइक है ना, बहुत माइंड ब्लोइंग तुम्हारा एक्सपीरियंस रहा है. तो मुझे बोलती है कि यार मुझे तो अभी, मैं तो वो वाला घर मिस कर रही हूँ, मैं तो यहाँ पे कुछ वो नहीं कर रही हूँ. हाँ, इफ यू सी वहाँ पे जो 24 आवर्स लोग रहते हैं, घर पे भी नहीं रहते हो ना आप 24 आवर्स इकट्ठे. आप जो वहाँ पे दो महीने का टाइम स्पेंड करते हो, इनफैक्ट वो एक तरह से यहाँ का 8 to 9 months हो गया, क्योंकि आप पूरे टाइम एक घर के अंदर ही फंसे हुए हो, 10 लोगों के साथ ही रहना है सुबह से लेकर रात तक. सृष्टि, फाइनली व्हाट डिड यू मिस द मोस्ट फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड इन द हाउस? अंदर कुछ नहीं, यहाँ का कुछ भी नहीं, ये दोनों भी, ये कोई भी, मतलब हाँ लोगों को मिस किया, बट अदरवाइज नथिंग. और अब वहाँ का बहुत कुछ मिस हो रहा है, वहाँ का बहुत कुछ मिस हो रहा है. Hi, this is Manish Naggdev and you're watching India Forums. Thank you so much. India Forums wishes Srishti and Manish all the best for their future. Now, how much did you guys enjoy this chat? Do comment and tell us. Ashima Chavra, camera person Mangesh and Babaji, India Forums, Mumbai.